अपना राज्य की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपना सारा ही जीवन भगवान को समर्पित किया है। आज मैं जो भी कुछ कमाई करता हूँ वो अपने माता पिता की सेवा और ईश्वर की सेवाओं के लिए ही करता हूँ। मतलब मैं जैसे बहुत सारे लोग ग्रस्त का चुनाव करते हैं, मैंने ग्रस्त का चुनाव नहीं किया है। मैंने अपने जीवन को परमात्मिक सेवाओं के लिए समर्पित किया है। और मेरा मोटिव कि मैं आप जैसे सब दोस्तों से लगातार मिलता रहूं, हर जगह जाऊं और जाकर के लोगों को जिंदगी को देखने का एक नया परसेप्शन दे सकूं। सो दैट्स ऑल अबाउट। और क्योंकि आज की डेट में आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन होती जा रही है, लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत एंग्जियस हो रहे हैं, एंगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लोग इरिटेटेड हो रहे हैं, छोटी छोटी सिचुएशंस में लोग परेशान हो जाते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे नजरिए दूंगा कि जिन नजरों से मैं सदा खुश रहता हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैंने अगर ब्रह्मा कुमारी में जीवन दे दिया तो मैं उनकी तरह जैसा। यहाँ पे दो तरह के भाई बहने होते हैं, जो एक समर्पित लाइफ जीते हैं, जो सेंटर पर ही रहते हैं, और एक हम जो घरों से जाकर के वहां पर उस राज्यों की शिक्षा को लेते हैं। लेकिन हमने अपना जीवन जो है वो पूरी तरीके से पवित्र जीवन जीने का ही एक संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत हम ये चीज कर रहे हैं। पर मैं साथ साथ अपने बिजनेसेस भी करता हूँ और इनसे कमाए हुए धन को मैं अपनी जिंदगी बहुत साधारणता से जीता हूँ। अगर कोई भी मेरे घर में आएगा तो मैं लगा पिछले 16 सालों से मैं जमीन पर ही सोता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज पैसे कमाता हूँ तो मैं बहुत लेविस लाइफस्टाइल जीता हूँ, नहीं। मैं उतने साधन इस्तेमाल करता हूँ जितने साधन मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस कर सके। इसलिए नहीं कि मैं उनके बस में हो जाऊं या मैं उनका एडिक्टेड हो जाऊं। मैं एक बात मानता हूं, चीजें मेरे लिए तब तक बेहतर है जब तक चीजों पर मेरा राज है। और जिस दिन चीजें मुझ पर राज करना शुरू कर देंगी उस दिन के बाद मेरा पतन स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल फोन हो, इंटरनेट हो, ये दुनिया बहुत बढ़िया है, लेकिन तभी तक बढ़िया है जब तक वो मेरे कंट्रोल में है। और जिस दिन मैं उसके कंट्रोल में चला गया उस दिन के बाद मेरी क्रिएटिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी सब कुछ वैनिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? सो लाइफ में ये जैसे नोटिफिकेशन आया बार बार फोन पे ध्यान जाना, ये सब क्या है? मैं कंट्रोल में चला गया हूं साधन। आपको हमेशा अपने आप से पूछना है, साधन मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं साधन को कंट्रोल कर रहा हूं? कुछ भी खाने पीने की लत लग जाती है लोगों को, वो अगर वो नहीं मिल रहा है तो अंदर से टेम्पर्ड हो रहे हैं वो चीज। इसका मतलब क्या है? उसने मुझे कंट्रोल में कर लिया। लाइफ में कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे कैसे लेते हैं। इसलिए कहते हैं प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम, द इंटेंशन बिहाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। जिंदगी में समस्या समस्या है ही नहीं, आप समस्या के विषय में कैसे सोचते हैं वो आपकी समस्या है। एम आई राइट और रॉन्ग? वरना सेम समस्या में लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। कोरोना सबके लिए समस्या था, लेकिन जून के लिए रातों रात अरबपति बनने का सपना था। हाँ या ना? आप देखो कोरोना से पहले जून के कितने सब्सक्राइबर्स थे, मुश्किल से 1 करोड़, और उसके बाद में कितने हो गए? एक ही रात में 20 करोड़ से ऊपर हो गए। सोचो वो उसी दौर का महान व्यक्ति बन गया। मेडिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फलीभूत कहां पर हुई? कोरोना जोन के अंतर्गत। तो हमें लाइफ को देखना आना चाहिए। लाइफ में सेम चीज, जिस चीज को आप अपनी प्रॉब्लम मानते हो, अपने आप से बस एक सवाल पूछना कभी भी आप, कि जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या इस प्रॉब्लम में हर इंसान वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे मैं कर रहा हूं? मैं जब भी कभी लाइफ में फंसता हूं मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूं, प्रमोद कुमार क्या ये सिचुएशन तू अंतिम आदमी है धरती पर की तेरे सामने आई है? क्या कहेंगे आप? नॉट एट ऑल। ऐसी इस दुनिया की एक भी समस्या नहीं है कि आप ही भगवान ने अकेले पैदा किए थे इस समस्या के लिए, ऐसा नहीं है। वो समस्या आपसे पहले भी अनेकों के सामने आई है और आपके बाद भी अनेकों के सामने आने वाली है। वो गाना भी है ना, मुझसे अच्छा कहने वाले, तुमसे अच्छा सुनने वाले अभी आएंगे। तो ये अपने आप को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लाइफ में जब भी कभी आपको ये लगे कि नहीं, इस जब भी आप कभी बुरे फैसले ले रहे हो, मैं क्योंकि टॉपिक हमारा ऑब्जर्वेशन पर है, डोंट बी जजमेंटल। जितने पीपल जजमेंटल होते हैं ना वो हमेशा रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं। ऑलवेज कोई सिचुएशन आएगी इंस्टेंट। आप सबको बताऊंगा दोस्तों, लाइफ में एक आदत बदल लो अपने, कभी भी आप इंस्टेंट ना रिस्पॉन्स करोगे ना रिएक्ट। Never, ever. इसको पक्का गांठ बांध दो, आपकी 90% डिस्ट्रेस उसी दिन खत्म हो जाएगी। मैं आपको दो एग्जांपल से बात बताने की कोशिश करूंगा, मैं अपना टॉपिक यहां से स्टार्ट करता हूं आप सबके साथ में। आप सबने चींटी भी देखी है, चिड़िया भी? हाँ या ना? सबने देखी? अच्छा मुझे बताइए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों की बेसिक डिफरेंस क्या है?
एक जमीन पर चलती है, बिल्कुल बहुत सही बात बोली है, यही बेसिक डिफरेंस है। एक जमीन पर रेंगती है बेसिकली, और एक जो है वो आसमान में उड़ जाती है, बेसिक डिफरेंस। लेकिन दोनों के टीचिंग में क्या डिफरेंस है? दोनों हमें एक अलग शिक्षा देती है। क्या प्रयास करते रहना चाहिए? और आपको ज्यादा क्या लगता है, ज्यादा कौन सिखाता है, चींटी या चिड़िया? चींटी सिखाती है। ओके, कितने लोग मानते हैं कौन ज्यादा सिखाता है, चींटी या चिड़िया? दोनों सिखाते हैं। ज्यादा कौन सिखाता है, चींटी या चिड़िया? चिड़िया आपको चिड़िया सिखाती है, ज्यादातर आपको चींटी सिखाती है। जिनको चींटी सिखाती है वो सदा ही टेंशन में रहने वाले हैं, क्योंकि उनको उनका चींटी का सिखाती है संघर्ष, और जिसके माइंड में संघर्ष है वो सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करेगा, वो कभी हैप्पी लाइफ नहीं जी पाएगा। स्ट्रगल्ड कभी भी हैप्पी लाइफ नहीं देता है, बहुत बड़े कंफ्यूजन है ये साइकोलॉजिकल चैलेंज चीजें हैं दोस्तों। जो ये कहता है कि संघर्ष से बहुत कुछ मिलता है, नहीं, मेहनत से मिलता है। संघर्ष और मेहनत में डिफरेंस होता है। जो संघर्ष करता है वो अंदर से क्रुद्ध होता है, जो मेहनत करता है वो अंदर से प्लैंड होता है। Am I right or wrong? प्लैंड होता है। संघर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, संघर्ष उन्हीं की जिंदगी में आती है जो टाइम पर मेहनत नहीं करते हैं, उनकी लाइफ संघर्ष बन जाती है। जो टाइम पर प्लान करते हैं, टाइम पर मेहनत करते हैं, मैंने किसी की जिंदगी संघर्ष तक नहीं देखी है। और जिनको आप कहते भी हो, चलो फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, कि उनकी जिंदगी में संघर्ष आए, नहीं, पर उनको वो संघर्ष नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो मेहनत करके खुद को तैयार कर चुके थे कि वो संघर्ष को संघर्ष नहीं ले रहे थे, बल्कि वो संघर्ष को एंजॉय कर रहे थे। संघर्ष गिव यू अ पेन, और संघर्ष आपको प्लेजर दे रहा है, खुशी दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है। क्या कर रहा है? अगर संघर्ष हैप्पीनेस दे रहा है, इट मींस यू आर प्लान्ड एंड प्रोग्राम्ड एंड प्रिपेयर्ड। और अगर संघर्ष आपको चुनौतियां दे रहा है, स्ट्रगल दे रहा है, पेन दे रहा है, इट मींस यू आर अनप्रिपेयर्ड, अनप्लान्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत बेसिक चीजें हैं। आंट थोड़ा सा खाना जुटाने के लिए जमीन पर घिसती रहती है, संघर्ष करती रहती है अपना छोटा सा भोजन जुटाने के लिए, इतना सा। लेकिन चिड़िया हवा में उड़ती है, 360 डिग्री चारों तरफ देखती है, जहां भोजन होता है आराम से लेती है, खाती है और फिर उड़ जाती है। बिकॉज क्यों? यही फर्क है ऑब्जर्वेशन में और जजमेंटल में। जो व्यक्ति जजमेंटल होता है ना, वो यहां धक्का खाएगा, वहां धक्का खाएगा, यहां धक्का खाएगा, इससे टकराएगा, उससे टकराएगा, और जिंदगी संघर्ष बना लेगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है, आप प्लेन में गए होंगे कभी, है ना, तो प्लेन से जब देखते हैं, ऊंची बिल्डिंग से हम कभी नीचे जब देखते हैं, तो चीजें कैसी दिखती हैं? जो समस्या अभी मैं यहां से आपको देख रहा हूं, आप मुझे बहुत बड़े दिख रहे हो, अगर मैं बहुत ऊपर जाके आपको देखूं तो आप मुझे ऐसे दिखोगे। सेम सिचुएशन। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आ जाए, लिख लेना मेरी बात पक्का करके गांठ बांध के, जब भी कोई सिचुएशन आ जाए, चाहे खुशी की चाहे दुख की, ना इंस्टेंटली खुश होना है ना इंस्टेंटली दुखी होना है। बस क्या करना है, पहले उसके सभी पक्षों पर विचार करना है, कहां से आई है, क्यों आई है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, कितनी देर की है, क्या कर सकती है, क्या नुकसान, क्या फायदे, और उसके बाद क्रिएट योर रिस्पॉन्स और रिएक्शन एज रिक्वायर्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर ऐसा करेंगे कभी जिंदगी में चुनौतियां आएंगी? आप सोच के देखो मेरे बारे में, मैं 1997 में लगभग सारे मैंने इंजीनियरिंग टेस्ट क्वालिफाई किए, और उसके बाद ही मैं IIT जा सका। सोचो कोई बंदा 95 में 12th करे, 97 तक प्रिपरेशन करे, 96 में सिलेक्ट फॉर द वेबिनार, और उसके बाद में फिर सिलेक्ट फॉर द IIT, और फिर जा ना पाए। क्या मेरे लिए कम संघर्ष था? क्या मेरे लिए कम पेन था? क्या मेरे लिए वो कम दर्द था? 17 साल की उम्र में किसी के साथ ऐसा हो जाए, व्हाट डू यू थिंक सो? क्या लाइफ रहेगी? मैं अगर आपको बताऊं अपने आप को लेकर के, शायद लाइफ की, चाहे फिजिकल चैलेंज की बात हो, मेंटली हो, लोगों के बिहेवियर के चैलेंज की बात हो, सब हमने झेली है इन 30 ईयर्स की लाइफ में। और मैं इतना जानता हूं कि शायद ये बहुत अच्छा होता है। लाइफ में कुछ लोग चुनौतियों को चुनौतियों की तरह लेते हैं, अब मैं चुनौतियों को लर्निंग की तरह लेता हूं।
मुझे बात समझ में आ गई, एडवर्सिटी में ही अपॉर्चुनिटी है। अगर एडवर्सिटी बड़ी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी नहीं है। आप जितने बड़े हीरो हैं नाम लिख लो, बड़ी एडवर्सिटी से ही वो हीरो बने हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप कोई मूवी देखने जाते हो, किसी मूवी में जिसको आप हीरोइज्म देते हो, वो छोटी मोटी सी लड़ाई करके कोई मूवी हिट हो सकती है उसकी? जितनी बड़ी लड़ाई करी होगी उसने, जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया होगा उसने, उसी के आधार पर बड़ा हीरो बनेगा ना। चाहे रियल लाइफ हीरोज हो चाहे रियल लाइफ हीरोज हो, दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? वो कितनी बड़ी एडवर्सिटी को चेंज करके कितने लोगों के सपोर्टर बन सकते हैं, कितने लोगों की लाइफ में एक सपोर्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप सब अपने घर के हीरो हो या नहीं हो? आज आप जब घर जाते होंगे तो आपका परिवार आप पे अपनी डिपेंडेंसी फील करता होगा नहीं करता होगा? आप हैं तो परिवार सुरक्षित है, ऐसा परिवार फील करता होगा? आप सोच के देखो ना इस बात को लेकर के। तो आई एम द हीरो ऑफ माय फैमिली, सो मेरी फैमिली में कोई एडवर्सिटी आ रही है, अगर मैं उससे स्ट्रेस्ड हो गया, अगर हीरो स्ट्रेस्ड हो गया, तो जो बाकी डिपेंडेंट है उनका हाल क्या होने वाला है? सो आई कांट, मुझे अलाउ ही नहीं है, और मुझे अलाव ही नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर पाता हूं? क्योंकि मैं जितनी आपसे क्लास कराऊंगा, मैं कोई किताबी ज्ञान बांटने नहीं आया हूं। आप मुझे अभी भी देख रहे हो, मैंने जितनी बात करी है मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बात करता हूं। मेरे को किताबें पढ़ के उनके कोट करना वो सब नहीं आता है। मैं आपसे रियलाइजेशनल टॉक करूंगा। क्यों करूंगा? मेरे को मार्केट थोड़ा सा बन जाएगा। सो मैं आपको बताता हूं, कहते हैं लाइफ इज एन आर्ट, जिंदगी क्या है? आर्ट है, आया ना? जीवन जीने की कला कहते हैं ना हम। तो इस कला में तीन अल्फाबेट्स आप देख रहे हो, ए आर एंड टी। इसमें ए का मतलब है अवेयरनेस, आर का मतलब है रियलाइजेशन, और टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ जीना है। अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अवेयरनेस तो आज हमारे पास बहुत है, आप सबके पास बहुत अवेयरनेस है। मीडिया इतना, इंटरनेट इतना, दिन रात वो अवेयरनेस ही फैला रहे हैं हर चीज की, है या नहीं? लेकिन क्या मेरे को जो चीज की अवेयरनेस है उसका रियलाइजेशन है? मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर क्या बोलते हैं, अरे गुस्से के बिना काम भी तो नहीं चलता, बोलते ना। अब आप मुझे बताओ, मुझे अवेयरनेस है या नहीं कि गुस्सा नुकसानदायक है? या कोई ऐसा बैठा है आप में जिसको ये अवेयरनेस ना हो कि गुस्सा नुकसानदायक है? हाँ जी, आप बताइए, फायदेमंद है या नुकसानदायक है गुस्सा? एंगर आपका फायदा करता है नुकसान करता है? हमेशा पक्की बात है, नुकसान ही करता है ना। हो सकता है वो आपको कोई काम कर दे, आपने किसी को डांट दिया, चिल्ला दिया, हो सकता है वो काम हो गया, वर्क तो हो गया, लेकिन रिलेशन का क्या हुआ? गुस्से से जो भी काम आपने कराया होगा वर्क तो हो गया होगा। अब बताइए, वर्क टेम्पररी था या रिलेशन टेम्पररी था? वर्क, आपने टेम्पररी चीज के लिए परमानेंट चीज को हर्ट कर लिया। क्या इसे समझदारी कहेंगे? और अपने से एक सवाल पूछा, मेरी बात लिख लो, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट। मैं हमेशा अपने से पूछता हूं, क्या प्रमोद कुमार यही एक अकेला तरीका है इस काम को करवाने का? क्या दुनिया का हर इंसान इस काम को ऐसे ही करवाएगा, गुस्सा करके, चिल्ला करके, डांट करके, परेशान होकर के? तो जवाब मिलता है नहीं, नहीं। लोग प्यार से, कूलनेस, कामनेस से भी करा सकते हैं। सो व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट मी? हम सुनाते सबको है कि सांप भी मर जाए पर लाठी भी ना टूटे, लेकिन हम तो क्या करते हैं, सांप भी नहीं मरता और लाठी भी टूट जाती है, आया ना? ना तो अच्छा, एक बताइए, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा थोड़ी सी चीज को लेकर, बहुत गहरी बात है, क्योंकि मेरा वर्क आपके पास आज इतना ही है। ये आपको ये रियलाइज कराना कि चीजों को ऑब्जर्व करें, हर चीज बेनिफिट्स है। इस दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको बेनिफिट ना देती, एक भी चीज नहीं। पता है आपकी लाइफ में, आप सोच के देखो, जितने प्रकार के भी पाप कर्म आते हैं आपको देखने के लिए, आपकी आंखों के सामने आए, कोई भी क्रोध वाली बात आपके सामने आई, कोई भी नुकसान आपके सामने आया, कोई भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आया, कुछ भी, वॉट एवर कम्स इन योर लाइफ, जो कुछ भी आता है, वो किस लिए आता है? क्या आपको परेशान करने के लिए? क्या कहेंगे आप? किसी ने बुरा व्यवहार किया, क्या परेशान करने के लिए? अब ये देखने के दो परसेप्शन दिखाना चाहता हूं मैं आपको। एक परसेप्शन है कि वो मैं सोचूं ये मुझे दुख देने के लिए आए, और दूसरा परसेप्शन है
ये मेरे अंदर के हीरोइज्म को बाहर निकालकर इनको परिवर्तन करने के लिए आए। आप मुझे बताइए, अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते, क्या महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति होता? व्यक्ति होता सर, हम जानते मतलब व्यक्तित्व तो नहीं होता, पर्सनैलिटी। अगर मुगल नहीं आते तो महाराणा प्रताप को कोई जान पाता इस रूप में? शिवाजी को कोई जान पाता? स्वामी कैसे कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी त्रासदी, रावण अगर नहीं होता, राम कोई होते, कोई कहानी होती? कंस ना होते, कभी कृष्ण की कोई कहानी होती? आप समझ रहे मेरी बात को? पर हम क्या देखते हैं, हम प्रॉब्लम चैलेंजेस के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कभी प्रॉब्लम मत भेजना, चैलेंजेस मत भेजना। आप बताओ, अगर वो प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं भेजेगा तो क्या आपको बिल्ड कर पाएगा? कर पाएगा? अच्छा मुझे बताइए, इस दुनिया से आप प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रोफेशन बचेगा? आपकी नौकरी रहेगी? रहेगी, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। नहीं नहीं ना। मरीज खत्म हो गए, डॉक्टर रहेंगे? क्राइम खत्म हो गया तो कोई वकील, कोई पुलिस, कोई मिलिट्री कुछ रहेगी? इतने लोग घर पलेंगे? लाइफ में सबसे पहले देखना ये बंद करना है, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज परसेप्शन और एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई गीता में बात लिखी है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। लाइफ में कभी भी कोई चीज बुरे के लिए नहीं होती। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं तो फिर क्या जो गलत काम हो रहे हैं वो राइट हो रहे हैं? नहीं, गलत काम राइट नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। हम ये कह रहे हैं कि वो होगा ही, मैं उसे गलत कहूं या ना कहूं, बट इट इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि एक थ्योरी होती है, कार्मिक थ्योरी। जो कार्मिक थ्योरी है वो सेटल्ड तभी हो सकती है जब वो सारी चीजें कंटिन्यूटी में होती रहे। अगर वो नहीं होंगी तो कभी भी कार्मिक सेटलमेंट नहीं हो सकता। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा इसी चीज को डिराइव करने से पहले। आपको क्या लगता है कि हम सब कर्म क्यों करते हैं? आप में किसी को लगता है कि हम कर्म अपने परिवार के लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए करते हैं? तो क्या लगता है? हाँ ना? आप तो हम ये कहते हैं, मैंने फलाने के लिए इतना कुछ किया और उसने फिर भी मेरी परवाह नहीं की। कहते हैं नहीं कहते हैं? किसी से लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया है? और कितनों कैसे लग रहा है वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं? जब आपके माँ बाप ने कहा तो आप भी तो कुछ कर ही रहे हो ना फिर अपने बच्चों के लिए। बट ये दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? आप बताइए, जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि जब कन्वर्ट हुए, अपने परिवार के पास गए, उन्होंने सवाल पूछा कि मैं जो कुछ भी करता हूं क्या तुम मेरे कर्म के भागीदार होंगे, तो क्या बोला था परिवार ने? हाँ या ना? कर्म तुम कर रहे हो, भुगतोगे तुम, हम तुम्हारे भागीदार नहीं होंगे। जब कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो पाएगा, तो फिर मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं, कोई मेरे लिए क्या कर रहा है? ना मैं किसी के लिए कुछ करता हूं पर ना कोई मेरे लिए कुछ करता है। एक्चुअली क्या है, हम सब एक दूसरे के साथ कर्म में बंधे हुए हैं। हम केवल खुद के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। इस कर्म के दो रीजन होते हैं, एक अपने पाप कर्म को चुकता करना और दूसरा अपना पुण्य जमा करना। जिनके भी आप अकाउंट, आप सोचिए मैं उस परिवार में क्यों पैदा हुआ जहां मैं पैदा हुआ हूं, और आप उस परिवार में क्यों पैदा हुए जहां आप पैदा हुए हो। हम एक्सचेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट उस फैमिली के साथ है, आपका कार्मिक अकाउंट उस फैमिली के साथ है। और जिस दिन हमारा अकाउंट सेटल हो जाता है उसी दिन ओम शांति हो जाती है। इसीलिए जो कर्म आप कर रहे हैं वो कर्म किसके लिए कर रहे हैं? ना आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, ना कोई माता पिता के लिए कर रहा है। जो कर्म हम कर रहे हैं वो किसको भुगतना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हमें। इसलिए डेफिनेशन ऑफ मैच्योरिटी कहती है, द पर्सन हु टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लाइफ इज कॉल्ड अ मैच्योर पर्सनैलिटी, जो दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। ना हम अपने मम्मी पापा की वजह से गड़बड़ाए, ना एजुकेशन सिस्टम की वजह से गड़बड़ाए, ना किसी वजह से। हमने चुनाव किया, जो भी कुछ करने का चुनाव हम करना। सही बात है कि नहीं? अब मैं जो बात करने जा रहा हूं आप साथ में, एक गहरी बात है, इसको आप अंडरस्टैंड करिएगा जरूर। रियलाइजेशन के लिए आप सबको क्या लगता है, हम एक शब्द बोलते हैं, सभी ने सुना भी होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
सुना आप सबने, आया ना? अच्छा आप सब एक काम करिए, सब मेरी तरफ ध्यान से देखिए, अपना उंगली साइड कीजिए ऐसे, सी है ना, यहाँ पे आप साइड कर लें। अच्छा अभी क्या करेंगे, सब मेरे साथ सज्जे से थोड़े बच्चा बन जाओ बस, बड़े मत बनो, अगर आप बड़े बनोगे ना तो आप परेशान ही रहोगे, क्योंकि जितने हम समझदार बन जाते हैं ना, समझदारी सर चढ़ जाती है और वो सारी जिंदगी दुख देती है। जितने समझदार है वही आपको टेंशन मिलेंगे, बच्चा कभी आपको टेंशन में नहीं मिलेगा, इनोसेंट है। जस्ट अभी क्या करेंगे, जो मैं बोलूंगा वही आप बोलोगे, बोलो ये सर है, बोलो ये माथा है, बोलो ये गाल है, बोलो ठुड्डी है, ये गला है, ये हाथ कंधा है, ठीक है, ये पेट है, ये नीचे पैर है, कर दिया सबने। अब आप अपनी उंगली साइड कर लो, अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना है ना, क्या करना है, आप अपनी उंगली को अपने छुट्टी पर रखो, अब देखो छुट्टी है जहाँ आपकी उंगली है, आपने मैंने बोला छुट्टी था पर मैंने गाल पर रखा, तो आप सबने कहाँ रखा, नहीं नहीं रखा सबने गाल पर, खिसका के यहाँ आ गया, मुझे पता है वो रखे यहाँ से, अच्छा यहाँ यहाँ, नहीं नहीं छुट्टी तो ये किसी को याद में रिकॉल हुआ, क्योंकि हमने वो नहीं किया जो हमने कहा, हमने वो किया जो सामने ने किया, इसलिए कहते हैं माँ बाप का चाल चलन बच्चों के चाल चलन का निर्माण करता है, ये कोटेशन हमने बचपन से सुनी है। जैसे कर्म हम करते हैं, अगर माता पिता में बहुत गुस्सा होगा तो आप देखना धीरे 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 उस तरह की एक्टिविटीज बच्चों में भी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है, तो कहते हैं ना कर्म। लेकिन सवाल ये है, क्या एक ही इंसान, ध्यान सुनना, क्या एक ही इंसान सारे कर्म सिखा सकता है, आया ना, नहीं सिखा सकता है, नहीं, पक्की बात है नहीं सिखा सकता ना। अच्छा क्या एक ही इंसान सब कार्यों में एक्सपर्ट हो सकता है, नहीं। इसमें बहुत सारे जवाब चुके होंगे आपके, सब कार्यों में एक्सपर्ट हो सकता है, हाँ या ना, नहीं नहीं सकता, पक्की बात है ना। जब ये हमें पता है तो हम दूसरे व्यक्ति को करेक्शन और कंट्रोल क्यों करते हैं, मैं जिसमें एक्सपर्ट हूं, मैं कहीं पे एक्सपर्ट हूं, क्या मैं जिसमें एक्सपर्ट हूं सामने वाला किसी दूसरे एरिया में एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा, तो क्या मैं उसके एरिया में एक्सपर्ट हो सकता हूं, शायद नहीं, या होऊंगा भी तो फिर मुझे थोड़ा सा मेहनत उसके लिए अलग से करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि इसको मेरे एरिया में एक्सपर्ट होना चाहिए, भगवान ने संबंध क्यों बनाए, ताकि हम मेरी एक्सपर्टीज और मेरे दोस्त की एक्सपर्टीज आपस में मिलकर के डबल एक्सपर्टीज हो जाए, ये ठीक काम नहीं किया इसने, इसने ऐसे कर दिया, कुछ गड़बड़ कर भी रहा था, बस खुली है जाके हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, और कोई कहता है नहीं नहीं किसी की हेल्प कर दो तो फिर अपनी वो हो जाती है, कोई उसको रिकग्नाइज नहीं करता है, पुण्य कर्म सदा रिकग्नाइज होता है, जिसको आप आज बेनिफाइस किसी को कर रहे हो कल आपको उसका बेनिफाइस आगे मिलेगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, हम जब बीज बोते हैं, अगर मैंने कांटे का बीज बोया है, जब उसका प्लांट बनेगा तो एक कांटा आएगा या सैकड़ों कांटे आएंगे, और अगर एक आम का बीज बोओगे तो उस पे एक आम आएगा या सैकड़ों आएंगे, बार बार आएंगे, पक्की बात ना। तो कर्मों को बीज कहा गया या नहीं कहा गया, तो अगर आज मैंने किसी को हेल्प किया है वो भले ही आज मुझे रिटर्न में नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कभी भी रिटर्न में नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है, देखिए दो तीन बातें समझनी है। यदि सब सब कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, अगर मेरा मानना है कि हो सकते हैं तो फिर मैं अभी तक खुद क्यों नहीं हो गया, अगर मुझे लगता है कि भाई सब का, कुछ लोग ऐसे फिलोसफर होते हैं ना ना, चाहे तो सब सीख सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं चाह लिया आज तक, आप होके दिखाओ पहले, क्या हम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। फिलोसफिकल बातें करना और प्रैक्टिकल बातें करना दो अलग अलग सिद्धांत हैं, एम आई राइट और रॉन्ग, है ना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप ये समझ जाओगे कि एक्सपर्ट सब अलग अलग फील्ड में होंगे, तो ये क्या बढ़ा देगा आपकी एक्सेप्टेंस, और लाइफ में जितनी आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी उतना आपके अंदर एक चीज बढ़ जाएगी जिसका नाम है कॉपरेशन, कॉपरेशन, बिना इसके वो चीज कभी भी नहीं हो सकती। जितने लोग ऑब्जर्व करना नहीं जानते वे कभी दूसरों के गुण देखना नहीं जानते, और वो क्या गलती करते हैं, वो सबकी कमियां देखते हैं। अच्छा मुझे आप एक बताइए, आप अपने परिवार में सब जगह लोगों की सिर्फ वैल्यू देखिए और आप गुस्सा करके दिखाइए, पॉसिबल है, नहीं, नहीं सर,
सर पीछे में जानना चाहूंगा आपसे। नहीं सर, हाँ पीछे बैठे, आप यस सर, आप से आपको क्या लगता है अगर आप किसी की वैल्यू देखो आप गुस्सा कर सकते हैं, आप किसी की वैल्यू देख के इरिटेट हो सकते हैं, कम गुस्सा आएगा, जब आप उसकी क्या देखोगे, वीकनेस, कमी, करेक्शन, आई एल यू सी करेक्शन इन पीपल तब इरिटेट होते रहोगे अंदर से, दुखी होते रहोगे, अशांत रहोगे, एम आई राइट और रॉन्ग? और जब व्यक्ति कमी देखना शुरू करता है वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो तुरंत जजमेंटल हो जाता है, यानी कुछ निर्णय बना लेता है, नहीं 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 आई एम समथिंग और ये तो सब ऐसे, और वो क्या नहीं कर पाता फिर, वो राइट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता, वो कभी भी सही चीज को सीख ही नहीं पाएगा, वो कभी क्या नहीं होगा, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है उसमें तीन क्वालिटी आती है, वो क्रिएटिव रहेगा, वो प्रोडक्टिव रहेगा और वो इफेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो नई चीज सीखने के लिए तैयार रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इस बात को। आप सबने एक स्टोरी सुनी है कि एक पिता था, ये रियल स्टोरी है, इंडिया की है और शायद मुंबई की है, एक व्यक्ति था जिसके दो बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा आईएएस ऑफिसर बना और एक बच्चा शराबी बना। सुना है आप सबने या नहीं सुना? नहीं सुना? शराबी बना, इंटरव्यू किया गया इसी बात के लिए उसका, क्योंकि उसका पिता जो था वो बहुत बड़ा पियक्कड़ था, वो शराब पी के पड़ा रहता था, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं समझता था। तो पहले शराबी वाले बेटे से जाकर के उन्होंने इंटरव्यू किया और पूछा कि भाई आप कैसे, किससे प्रेरणा ली? कह रही प्रेरणा मेरे घर में थी, मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, मेरे पिताजी पिया करते थे और मैं भी उनकी बच्ची भी लगा लिया करता था और धीरे धीरे बस आदत पड़ गई और मैं ऐसा हो गया। तो उनको भी समझ में आया कि हाँ भाई ठीक है, चाल चलन से चाल चलन मैच कर रहा है, पिता से आगे बात। फिर बेटे से पूछा भाई तुम आईएएस ऑफिसर बने, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है? कह रहा मेरे पापा। अब ये बात समझने की नहीं थी कि सेम आदमी से दो लोगों ने अलग अलग इंस्पिरेशन कैसे ली, कि एक शराबी बना और दूसरा आईएएस। वो कहता है कि मैंने सिर्फ ये सोच लिया था कि कुछ भी बनूंगा पर इस इंसान के जैसा कभी नहीं बनूंगा। अब हम इसमें क्या कहेंगे, ये है राइट ऑब्जर्वेशन। जब आप चीजों को रॉन्गली ऑब्जर्व करते हैं, जब आप गलत को गलत के तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, तो आपकी लाइफ वैसी ही बन जाएगी जैसा वो एक्ट है। और जब आप उस एक्ट को राइट वे में ऑब्जर्व करते हैं, तो आप रॉन्ग एक्ट से भी राइट चीज उठा सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प कहां खिलता है? कभी गमले में बोके खिला के दिखाओ मुझे, कभी किसी खेत में पैदा होकर दिखाओ कि कोई खेत में जो है कमल के फूल पैदा हो गए। कहां पैदा होता है? कीचड़ में। सारी सुंदरता कहां से लेता है? सारी खुशबू कहां से लेता है? ये सोचने की बात है, am I right or wrong? सारे देवी देवताओं किस में बैठा दिखाया गया है? मां सरस्वती को देख लो आप, ब्रह्मा जी को देख लो आप, विष्णु को देख लो आप, सबको किस में दिखाते हैं? और नैनों की तुलना भी किससे करते हैं? गुलाब नैन नहीं कहा किसी ने, चमेली नैन नहीं कहा, क्या कहा? कमल नैन। खिलता कहां है? कीचड़ में। कमल नैन किनके होते हैं? जो वेस्ट में भी बेस्ट ढूंढ लेते हैं। आपने वेस्ट को वेस्ट देख लिया, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कुछ लोग तो बेस्ट में भी वेस्ट देख लेते हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, उन्हें क्रिटिसाइज करना आता, बस क्रिटिसाइज ही करेंगे वो हर चीज को लेकर के। कुछ होते हैं ऐसे, है ना? ऐसे नमूने बहुत मिलेंगे आपको, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत जगह ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ, उनका काम है। उनका उनका हाल कैसा होता है, एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास मतलब एक कुत्ता था जो उस पर चलता था, पानी पे चलता था, लेकिन वो आदमी भयंकर नेगेटिव, उसका फ्रेंड था, उसको लगाया मेरा दोस्त तो इसमें ही नेगेटिव निकाल के दिखाए। कह रहा चल मैं तेरे को एक नई चीज दिखाता हूँ। बोले हाँ दिखाओ, क्या दिखाना है जी? और किया कि भाई वो बच्चा देखा, वो कुत्ता जो पानी पे चल करके जा रहा है ना, दौड़ लगा रहा है पानी, कहता देख इसमें नेगेटिव निकाल के दिखा। बोले हाँ मैं यही सोचा था कुत्ते को तैरना नहीं आता। तो गलती से भी क्रिटिसाइज से कभी ये मत पूछना कि वो कभी कुछ पॉजिटिव देख सकता है कि नहीं देख सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कमी किस चीज की होती है और उसको ये पता नहीं होता है कि वो सबसे ज्यादा नुकसान किसका कर रहा है। जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सोचो पहले वो इमोशंस किसके खराब हो रहे हैं उस क्रिटिसाइजिंग में, उसे नेगेटिव सोचना पड़ रहा है। आप में से कोई मुझे बता दीजिए जिस दिन आप नेगेटिव सोचा और आपके चेहरे पे स्माइल आई थी और आप बड़े एम्पावर्ड फील कर रहे थे। आपने जब जब नेगेटिव सोचा होगा, जब जब किसी की बुराई देखी होगी, जब जब किसी चीज के बारे में खराब सोचा होगा, आपका दिल सिकुड़ गया होगा।
या तो आप क्रोध से भर गए होंगे या इरिटेशन से या फिर पश्चाताप से भर गए होंगे. एम आई राइट और रॉन्ग? सो फ्रेंड्स, इसको समझने का प्रयास हमें करना है. बी अ ऑब्जर्वर. किसी भी चीज में बुराई नहीं है इस धरती पर. मैं तो किसी चीज में नहीं देख सकता कि किसी है. मुझे हर चीज में क्या देखना है? बेस्ट देखना है, क्योंकि मुझे वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति बनना है. अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए आप, मैं क्यों इस चीज को और आगे लेकर के जाऊंगा आपके साथ. देखिए, हम सभी लोग क्या करते हैं, एक और चीज ध्यान दीजिएगा. हम सबके पास कुछ एरियाज होते हैं जिन एरियाज को हमें देखना चाहिए. हमारी लाइफ के एरियाज होते हैं. एक हमारे लाइफ के एरिया होता है हम सेल्फ, हम खुद, हमारी खुद की अपनी एक पर्सनल जिंदगी होती है जिसे पर्सनल लाइफ कहते हैं. एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, जैसे कि अभी आप यहां पर अपने प्रोफेशनल करियर के ऊपर हैं. एक हमारी होमली लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, और एक हमारी सोशल लाइफ होती है. और इन सबको कंट्रोल करती हुई कायदे में देखा जाए तो जिसे मैं सबसे सुप्रीम रखता हूं, एक हमारी सबकी स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना. ऐसे ही हमारा जिंदगी का स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता? मैंने कुछ गलत बनाया तो आप बता सकते हैं, आपकी फ्री छूट है, कोई भी आप बोल सकते हैं. क्योंकि मैं सत्य वचन महाराज में विश्वास नहीं रखता कि मैं जो बोल रहा हूँ आप बोलो जी हाँ जी, बस कहानी ट्रेनिंग पूरी करनी है, आप भी एक घंटे बकवास कर जाओ, हम चले जाएंगे उठ करके और फिर कहानी करो. नहीं, आप सबके टाइम की जिम्मेदारी है कुछ. आप सब मुझे एक घंटा दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपके समय की कद्र करूँ. अगर आप सब लोगों को एक सवाल पूछूंगा मैं, उसके बाद फिर दूसरा जवाब पूछूंगा. आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड? डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन वन वर्ड आप बताइए. अभी आपने बताया सर, जीवन एक कला है, आर्ट. और होप. और लाइफ की डेफिनेशन एक शब्द, एक शब्द, टाइम. एक्यूरेट. लाइफ इज जस्ट नथिंग बट इट्स अ टाइम. तभी हम कहते हैं समय बर्बाद जीवन बर्बाद, समय आबाद जीवन आबाद. हम सबकी एक डेट ऑफ बर्थ है, एक डेथ ऑफ डेट है. दोनों के बीच सिर्फ क्या मिला है हमें? समय. इस समय के साथ आप क्या करेंगे वही बनेगी आपकी जीवन कहानी. एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहूंगा. यदि आप में से किसी को भी लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपनी तरफ से कहता हूं आप जाकर के वो करिए जो आप करना चाहते हैं. यू कैन मूव ऑन. किसी को भी किसी को ऑब्लाइज करके सुनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. मेरा सेशन तो बिल्कुल नहीं. मैं हमेशा लोगों से पहले ही बोल देता हूं, प्लीज गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू. अगर यहां से बेहतर आप कुछ और कर सकते हैं तो. क्योंकि मेरे को कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी के जीवन का एक घंटा चुरा के उसे वेस्ट करूं. आई हैव नो राइट. आपकी लाइफ और किसी के लिए कभी करना भी मत. नेवर एवर डू एनीथिंग टू ऑब्लाइज एनीवन. ऑलवेज डू व्हाट यू लाइक टू डू एंड व्हाट इज फेवर इन योर, जो कि आपके फेवर में. क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना. सो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो टाइम की बात हम कर रहे हैं. ये लाइफ है हमारी. इन सब लाइफ को लीड करने के लिए आप क्या चाहते हो? इन सभी लाइफ के अंदर पीस, हैप्पीनेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शांति और खुशी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन कामों को करने में मजा आना चाहिए या बोझ लगने चाहिए काम? मजा आना चाहिए. अब आप अपने से सवाल पूछो ईमानदारी से, खुद को जवाब दो. मैं कोई से जवाब नहीं मांग रहा, पर अपने आप को ऑनेस्ट जवाब देना. आज मजा आ रहा है, अपने अंदर ही जवाब देना, बोलना भी. क्या आज मैं एंजॉय कर रहा हूं इन ऑल सभी चीजों को, या कहीं ना कहीं अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील करता हूं इन्हीं चीजों को मैनेज करने में. और अगर मैं मैनेज करने में कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता हूं, तो उसको हैंडल करने के लिए एक ही आर्ट है जिसको मैं आपको बहुत देर से बात कर रहा हूं, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. बस इन चीजों को ऑब्जर्व करना हमें शुरू करना है. अभी तक अगर आप किसी भी चीज से परेशान हैं, उसका एकमात्र कारण है कि मैं उस चीज का एक या दो पक्ष देख रहा हूं, उसके सभी पक्ष नहीं देख रहा हूं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बीमार होना अच्छी बात है या बुरी बात है? बोलो, क्या बोलेंगे आप? बीमार होना अच्छी बात है या बुरी बात है? लेकिन जनरली आप क्या मानते थे? जनरली क्या मानते हैं लोग, बीमार होना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है ना. अब यही फर्क आ जाएगा बस आज के बाद आप में, ना वो अच्छी बात है और ना वो बुरी बात है.
बीमार बस एक क्रिया है, एक एक्शन है, अच्छा या बुरा वो परसेप्शन है। अगर आप उसे डॉक्टर की सीट पर बैठ करके देखोगे और अगर आप उसे मेडिकल स्टोर वाले की सीट पर बैठ करके देखोगे, अगर आप उसे ना टेस्ट रिपोर्ट करने वाली सीट पर बैठ देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, अरे क्या अपॉर्चुनिटी है, हाँ कि ना। और अगर आप उसे पेशेंट नर्स देखोगे, अरे भाई खर्चा आ गया, बड़ी मुश्किल आ गई, शरीर भी टूट रहा है, पैसे भी जाने वाले हैं उसके लिए वो। लेकिन अगर पेशेंट वहां पे वैसे शुरू करो, मैं आपको एक एंगल देना चाहता हूँ, मेरे जब लाइफ में जब भी मेरे को कभी अब रोग आता, पहले मैं भी सोचता था यार बीमार होना माना डॉक्टर पर जाके कटना, पहले ये थॉट था सोचना हुआ। लेकिन बाद में क्या थॉट आना स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा कि नहीं, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मेरी वजह से किसी डॉक्टर के घर में रोजी रोटी चलेगी, किसी मेडिकल स्टोर वाले के घर में रोजी रोटी चलेगी, किसी टेस्ट वाले के घर की रोजी रोटी चलेगी। और देखो बीमार तो मैं फिर भी हूं, अब मैं जाकर के उस थॉट से जाऊं कि वो ऐसा मुझे काटेंगे तो मेरे को पेन बढ़ेगा या खुशी मिलेगी, आप बताओ, डर बढ़ेगा या खुशी बढ़ेगी। लेकिन जब मैं उनके प्रति ये अच्छी भावना के साथ जाऊंगा तो मुझे कैसे लोग मिलेंगे, मुझे पहली बार में अच्छा डॉक्टर मिलेगा, क्योंकि मैं उसके लिए कैसा सोच रहा हूं, एक अच्छी फीलिंग रख रहा हूं। अच्छी फीलिंग सदा आपका अच्छा कराएंगे गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छी फीलिंग करने से आप एम्पावर्ड हो जाएंगे और आपका माइंड ज्यादा क्रिएटिव जोन में चला जाएगा और आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। आप मानते हैं ऐसा या नहीं मानते, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप मुझे बताइए, जब भी आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं, कब आप अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हैं, जब आपका माइंड कूल काम हैप्पी होता है या जब इरिटेटेड एंगर या दुखी होता है, उसे जवाब दो, आप लोग बोल नहीं रहे कुछ भी, मैं लग रहा है सेशन बोर कर रहा है। जब कूल काम होते हैं पक्की बात है। अच्छा अब सपोज करिए आप एक सबॉर्डिनेट है ना, और उसने कोई काम किया, उसने कोई एक्शन किया, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर चिल्ला दिया है ना, लेट्स से कि आपने उसके ऊपर चिल्ला दिया। चिल्लाने से आपके चिल्ला, ध्यान सुनना, मैं अगर आप पे किसी काम पे चिल्ला दूं उससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा या सेट होगा, डिस्टर्ब। अच्छा अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट काम भी सौंप रहा हूं और मैंने आपको क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। अब आपका डिस्टर्ब माइंड क्रिएटिव और अच्छा काम कर पाएगा क्या, नहीं। हम गलती कहां कर रहे हैं, मैं आपको अपना एग्जांपल सुनाऊंगा। ग्रेट नोएडा के अंदर एक स्कूल है, मैं उसके अंदर एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा था, फिजिक्स लेक्चरर। ये इससे समझ में आएगा, तो बहुत मजा आएगा इससे। और ये 2007 की बात है, 12th क्लास था। अब क्योंकि मैं हमेशा बैज लगाता हूँ जो आप देख रहे हो ओम शांति के नाम का, तो मैं ब्रह्म कुमारी जाता हूँ। और जब मैं वहां पे गया तो मतलब शोर मचा रहे थे और 4-5 बच्चे तो ऐसे थे कि जो शोर बंद ही नहीं हो रहा था उनका, वो कंटिन्यूसली शोर कर रहे थे। अब इससे मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं क्या करूं, तो एक बार तो बंदा आया डंडा लूं सबके टिपाई करूं, अंडरस्टैंड वेरी गुड, ध्यान सुनना, और मन में आएगा इनको गुस्सा भी करूं जो से। तुरंत ही मुझे अगले पल समझ में आया, जैसे कि मेरे को एक रियलाइज हुआ कि अगर मैं इन पे गुस्सा करूंगा तो गुस्सा करके या मारने से इन सबका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा सेट हो जाएगा, क्या कहेंगे आप, गुस्सा करने से मारने से माइंड सेट होगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा उन्हें मारने के लिए मुझे डिस्टर्ब होना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा, या बिना गुस्सा डिस्टर्ब के मैं मार सकता हूं। अच्छा अगर मैं अब डिस्टर्ब होऊंगा, एक डिस्टर्ब आदमी अब बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करके और फिर फिजिक्स सिखाने की कोशिश करेगा, क्या इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई काम हो सकता है। मेरे को यही रियलाइज हुआ और मैं चुपचाप बस ऐसे खड़ा हो गया बोर्ड के पास। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरी जिंदगी के साथ होगा। और उसके बाद अच्छा अगर क्लास में टीचर खड़ा हो जाए तो बच्चे क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद चुप खड़ा हो जाए, क्या होगा जनरल, अगर मैं यहां पर भी चुप खड़ा हो जाऊं तो आप भी थोड़ी देर में क्या हो जाओगे, सब सोचो क्या हो गया हमसे, कुछ हो तो नहीं, ऐसे सोच लेंगे ना, सब शांत हो जाएंगे। वहां पर भी यही हुआ, सब शांत हो गए। अब वो 4-5 जो शैतान थे अब उनको ज्यादा पीड़ा होने लगी जब मैंने फिर भी पढ़ाना शुरू नहीं किया शांत होने के बाद भी। अब वो फिर खड़े हो गए, सर प्लीज पढ़ाओ, उनको डर हो गया कि प्रिंसिपल ना आ जाए करके। और मैंने कहा नहीं नहीं देखो भाई, आप सबकी फीस से मुझे सैलरी आती है, आप सब मेरे मालिक हो, आप जब मुझे हुकुम करेंगे कि आपका माइंड पढ़ने के लिए तैयार है तो ही मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगा कि आप सही से पढ़ सकें। अब तो बड़े परेशान। फिर मैंने उनको ये पूरी कहानी रिपीट करी जो मेरे मन में चली। मैंने उनको बोला देखो मैं तुम्हें मारता,
तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता, अब मेरा माइंड डिस्टर्ब होता, अब मैं डिस्टर्ब होकर तुम्हें सिखाने की कोशिश करता, मेरी एनर्जी भी वेस्ट थी, तुम्हारी एनर्जी भी वेस्ट थी, तो कोई फायदा था एनर्जी वेस्ट करने का? आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन के बाद मैं जब भी क्लास में एंटर करता था, मेरी क्लास में सब शांत, ना मैंने जिंदगी में कोई छड़ी उठाई, ना मैंने उन पर कभी कोई गुस्सा किया, कोई चीज नहीं हुई, और उस साल का रिजल्ट सब सालों से बेहतर रिजल्ट आया। तो बताइए, गुस्से से अच्छा काम हुआ या शांति और प्रेम से? तरीका वो भी था, डंडा मार के मैं चुप कर सकता था उनको, क्लास से बाहर कर सकता था, मुर्गा बना सकता था, उनकी इंसल्ट कर सकता था, लेकिन क्या वो एक राइट तरीका होता? क्या वो मेरी कभी इज्जत करते? वो सारे टाइम मेरी इज्जत करते थे, जहां मैं मिलता था मेरे पैर छूते थे, और वो कहते थे इस बात को, सच सर हमने आपके अंदर वो देखा कि आप ओम शांति वाले हो, तो माना आप ओम शांति वाले हो, ऐसा बोला करते थे। सो कहने का अर्थ क्या है? काम प्यार से भी होते हैं और काम, अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छे अच्छे परसेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे दोस्त हो, आपको मैंने कोई काम सौंपा, अब एक बात समझिएगा, जो व्यक्ति ऑब्जर्वर होता है, सारे दुखों के कारण दो हैं, आप लिख लीजिए अपने पास, एक है एक्सपेक्टेशन और एक है अटैचमेंट। और एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट हम सब में है या नहीं है? आप लोग कोई बैठा जिसमें नहीं हो, जो किसे कोई एक्सपेक्ट ना करते हो? करते या नहीं करते? अटैच रहते या नहीं रहते? रहते हैं दूसरों से अटैच, पक्की बात? कोई है जो कहते हो हम अटैच नहीं रहते? अटैचमेंट कई प्रकार का होता है, अपने थॉट से अटैचमेंट, अपने माइंड से अटैचमेंट, अपने आइडिया से अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट। एक्सपेक्टेशन, सामने वाले से जब एक्सपेक्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, उसे वो करना चाहिए जिससे मेरा कंफर्ट क्रिएट हो, हाँ या ना? अब देखो जितने बॉस होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ये ऑर्डर करते हैं कि वे ऐसा काम करें जिससे कि उनको कंफर्ट क्रिएट हो, और यहीं पर इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है, और उस इंटरेस्ट क्लैश करने से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। लेकिन जब आप इस चीज को राइट वे में ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन राइट क्या होती है, आप ऐसे कोई बता सकता है कि राइट एक्सपेक्टेशन कैसे की जा सकती है? लेट्स से कि एक ऐसे मान लीजिए हम ऑफिस में बैठे हैं और एक सीनियर अपने जूनियर से या साथी अपने साथी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे करना चाहिए राइट एक्सपेक्टेशन? क्या लगता है कैसे करना चाहिए राइट एक्सपेक्टेशन? अगर आपने एक्सपेक्ट किया और आपकी मर्जी काम नहीं हुआ तो आप दुखी होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना बोलिए, होंगे? अगर आपने किससे, आपने मेरे से कुछ एक्सपेक्ट किया या आपने किसी और से कुछ एक्सपेक्ट किया और वैसा नहीं हुआ तो आप दुखी फील करेंगे या सुखी फील करेंगे? क्या करेंगे, क्या फील करेंगे? दुखी। पक्का ना? तो थोड़ा जोर से बोल दीजिए, दुखी। हाँ, दुखी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी काम नहीं हुआ है। अब अंडरस्टैंड ये करना है कि मैंने जिसको काम सौंपा था, क्या मैंने तीन पैरामीटर चेक किए? पहला पैरामीटर, क्या सामने वाले का इंटरेस्ट मेरे काम में था जिसको मैंने काम सौंपा? आज के बाद ये तीन काम चेक कर लेना, जिंदगी भर आपकी कोई भी अपेक्षा फेल नहीं होगी, गारंटी है मेरी। पहला, जब भी किसी व्यक्ति को काम सौंपो उससे पहले ये पूछ लो क्या उसका उस काम को करने में इंटरेस्ट है। दूसरा, क्या वो उस काम को करने के लिए एलिजिबल है, स्किल्ड है, एनफ स्किल्ड है, प्रिपेयर्ड है। और तीसरी बात, क्या आपने काम को उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट किया है? सपोज मैंने आपको काम तो सौंप दिया, अब मेरे दिमाग में क्या पिक्चर है, मैं आपको एक आइडिया करके दिखाता हूं। आप में से कोई भी वॉलंटियर आ जाइए, कोई भी एक जन आगे आइए, आपको क्या करना है, ये डस्टर उठाइए यहां से और इस डस्टर को उठा करके वहां रख लीजिए, उधर रख लीजिए। गुड, अब भाई साहब ने ठीक काम किया है, इनसे मैंने जो बोला यहां से डस्टर को उठाइए वहां पर रख दीजिए, इन्होंने पूरा काम किया, हाँ या ना? पक्की बात ना? कोई गलती नहीं है किसी काम में। अब मैं इनको बोल रहा हूं, क्या भाई साहब को पता ही नहीं डस्टर कैसे रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना। अब वो कितने सेंसिटिव हो गए, हम तो सेंसिटिव हो गए, तुरंत ही कहते हैं ना, अभी गलती है ही नहीं, आपने जैसे रखना तो वैसे ही रखा है। लेकिन अब क्या होगा, मेरे दिमाग क्या चल रहा था, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रखना चाहिए था, ऐसे।
इन्होंने ऐसे रख दिया ऐसे। क्या घरों में और ऑफिसों में आधे झगड़े इसी बात के हैं या नहीं? अगर सामने ये कहते तेरे दिमाग में क्या वीडियो कैमरा लग रहा था कि मेरे को पता चलता है कैसे रखना है, तूने कहा था यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, इसमें के ऊपर बोलने क्या मतलब पड़ता है? थैंक यू सो मच। मैंने बस दिखाया यही होता है या नहीं होता। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हो? आपको जो रिजल्ट चाहिए, अच्छा कम्युनिकेट के बाद एक और स्टेप बनेगा, जब आपने कम्युनिकेट किया हैव यू चेक्ड, क्या आपने ये जांच भी लिया कि जो आपने कम्युनिकेट किया है सामने वाले ने वही समझा है? सपोज करो आपने मुझसे कोई काम करने के लिए कहा, अब मैं जब काम को करूंगा, ध्यान सुनिएगा, मैं जब काम करूंगा तो मैं मेरे माइंड और इंटेलेक्ट से करूंगा या आपके माइंड और इंटेलेक्ट से करूंगा? अब मेरा माइंड और इंटेलेक्ट आपसे अलग है या नहीं है, तो मैं उसी के लेवल पे कर पाऊंगा? अच्छा एक और गहरी बात सुनिएगा दोस्तों, बहुत प्यारी बात बोलने वाला हूं मैं आपसे, जब मैं वो काम करूंगा तो मैं अपनी इज्जत पाने के लिए करूंगा, बढ़िया इज्जत के लिए करूंगा, या मैं अपनी इज्जत गवाने के लिए करूंगा उस काम को? अब सपोज करिए मैंने बहुत दिल लगा के काम किया, आपने जो मुझसे कहा और मैंने अपना बेस्ट दिया, और जब मैं वो नहीं कर पाया जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो आप मुझे जब डांटोगे क्या मुझे हर्ट होगा या नहीं होगा? मैं अपना ही तो बेस्ट कर सकता था, गलती किसकी थी? आपकी। क्यों? ना आपने मेरा इंटरेस्ट देखा, ना मेरी एलिजिबिलिटी देखी, ना मुझे प्रॉपर कम्युनिकेट किया, और ना उस कम्युनिकेशन को कंफर्म किया कि जो आप चाहते थे एग्जैक्टली आपने पहले मुझे उसको करवा के देखा ही नहीं कि मैं वही करूंगा या कुछ और करूंगा, और बाद में आप मुझे फाइनल रिजल्ट पर दोष दे रहे हो या मुझे आप डांट रहे हो। इज इट राइट? इज इट राइट? क्या हम ऐसा ही नहीं करते रहते सबके साथ? आज का तो अपने घर में भी ये काम करना, अगर आपके बच्चे से आपने पानी मांगा एक ग्लास पानी ला दो, वो कहता है नहीं लाता, आप दुखी हो जाते हो। आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। एक्चुअली उस समय जिसने आपने पानी मांगा वो एलिजिबल था पानी देने के लिए, कैपेबल भी था, बट उस समय उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब आप बच्चे को दोष देने लग गई, और माँ बाप की खास बात होती है वो ऐसा समझते हैं बच्चे को बच्चों गुलामी तरह पालते हैं, जैसे बोलेंगे गुलाम हो, हर बात का ऑर्डर देते हैं, प्लीज डोंट डू इट। सबसे बुरी पालना होती है जो अपने बच्चों को ऑर्डर देकर पालते हैं। अगर आपके बच्चे को एक बार ऑर्डर लेने की आदत पड़ गई तो वो जिंदगी में कभी अधिकारी बनने की योग्यताएं मुश्किल रखेगा। अगर आप बच्चे के सेल्फ इमेज को हाई करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी क्या चीज है, उसको इन्वॉल्व कीजिए अपने डिसीजंस में, और जब आप उसके पास भी जाइए तो उसकी परमिशन एक तरीके से लीजिए, क्योंकि आप उसकी टेरिटरी में एंट्री कर रहे हो, और जब आप देखिएगा जब आप उसकी टेरिटरी में एंट्री करते समय उसकी परमिशन लोगे तो वह आपकी टेरिटरी में एंट्री करते समय हमेशा आपकी परमिशन लेगा, बिकॉज उसने आपसे वही सीखा है। बहुत सारे मैं आपके एक अनुभव के बाद बताऊंगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन की चीज है, मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ सोसाइटी के अंदर। एक आठवीं क्लास का बच्चा, मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा था, एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मेरे खुद का एग्जाम्पल है, और मैं जब उसकी काउंसलिंग कर रहा था वो बच्चा मेरे को बोलता है आई हेट माई पेरेंट्स अलॉट, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं अपने माता पिता से। आठवीं क्लास का बच्चा भाई, बहुत शॉक्ड, मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, तू इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, लाखों रुपए तेरी फीस है और सब इतनी बढ़िया गाड़ियां तेरे घर के अंदर है, सब कुछ तेरे पास में, तेरे माता पिता इतने रिच है, किस बात की नफरत करता है? बोले इसीलिए, कह रहे वो रिच होने के बावजूद मुझे बात बात पे ताना ही देते हैं, पढ़ते नहीं हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, हम तुम्हें अपना पेट काट के पालते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और तुम पे अपने काम भी नहीं किए जाते हैं, इस तरीके से उसको उसके माता पिता बोलते थे। बाद में मेरे को उस बच्चे ने कैसे कैसे सेंटेंस बोले, मैं उस बच्चे की बातें बता रहा हूं, वो मेरे को बोलता है कि अगर मैंने कहा था क्या इनसे पैदा करने के लिए, मुझे पैदा करो। सो सर, एक बच्चा आठवीं क्लास का बच्चा है, मैंने कहा था कि इनसे कि मेरे को पैदा करो। दूसरी बात, अगर पैदा इन्होंने किया तो पालेगा क्या पड़ोसी, खर्चा क्या पड़ोसी करेगा मेरे ऊपर? ये उस बच्चे के सेंटेंस है, ध्यान सुनिएगा, गलत नहीं है वो। पहले हमें समझना चाहिए हम कह क्या रहे हैं और हम सुनना क्या चाहते हैं। बाद में सोचा यार ये तो इतना सेंसिटिव हो गया है, हमारे मम्मी पापा तो बचपन से यही कहते चले आते हैं, मेरे पापा तो अभी तक भी कह देते हैं, हम तो भैंस के तवेले पर, ऐसे मेरे पापा मेरे बोलते थे, क्योंकि पापा मेरे किसान के बेटे थे, वो फिर डॉक्टर बने, तो बोलते थे हम तो ना भैंस के तवेले वो डिबिया में और लालटेन में पढ़ते थे। जब एक बार बहुत हो गया उनका कहने का तो मैंने उनसे कहा एक बात बताओ, तुम्हारा बाप किसान था उसके पास लालटेन ही अफोर्ड कर सकता था, मेरा बाप डॉक्टर है वो ट्यूबलाइट अफोर्ड कर सकता है, आप कहो तो मैं भी जाकर के लालटेन में पढ़ूं अगर आपके स्टेटस को सूट करता हो तो।
कभी कभी हम अपने बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होता है. दैट इज अ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. और मैंने उस बच्चे के साथ में बहुत बातचीत करी और मैं धीरे धीरे उसके ऑब्जर्वेशन के साथ उसके माता पिता के ऑब्जर्वेशन को चेंज किया. तो कभी भी आप अपने घरों में भी, अपने कुलीग में भी, मैं आपको ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपके सामने सारी लाइफ लिखी है, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे वो व्यवहार आपके पास रिफ्लेक्ट होकर के आएगा. उसके लिए आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आपकी मदद करेगी. अब हमें यह समझना चाहिए, सपोज करिए आपने कोई काम सौंप दिया और मैंने वो काम अपने उसमें बेस्ट किया, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट. यस, यू डू योर बेस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो अब हम कोऑपरेट करते हैं. इसमें ये चीज थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट, एक और समझिएगा, कुछ लोग बोलते हैं इसमें यहां करेक्शन है. क्या किसी काम में करेक्शन निकालना अच्छी बात होती है या इंप्रूवमेंट निकालना अच्छी बात होती है? क्या बोलोगे आप? किस शब्द में एनर्जी पॉजिटिव है, करेक्शन में या इंप्रूवमेंट में? हम गलतियां करते हैं, यहां पे ये करेक्शंस है, यहां ये करेक्शंस है, यहां ये करेक्शंस है. नहीं, वो करेक्शंस नहीं है, हमें वो इंप्रूव करने, वोकैब चेंज करना है. हर शब्द की ऊर्जा होती है. हम कहते हैं ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव है. जब ओम की पॉजिटिव है तो ऐसे ही करेक्शन की एनर्जी या इंप्रूवमेंट की एनर्जी में फर्क होगा या नहीं होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? So, इसलिए हमें क्या चीज करना है, जब भी कभी किससे एक्सपेक्ट करना है, अगर हमें सही दिशा में जाना है तो हमें पहले इंटरेस्ट चेक करना है सामने वाले का, कि जिस काम को मैं सौंप रहा हूं मुझे उसे सौंपना है जिसका उस काम को करने में इंटरेस्ट है. अब आप में किसे सवाल हो सकता है, ऑफिस में ऐसा कैसे करें? ऑफिस में तो उसको सेलेक्टिव उसकी एलिजिबिलिटी के लिए किया गया है. दैट्स फैंटास्टिक. तो वहां पर एक और चीज हमारे पास ऑप्शन में आती है, क्या मुझे वो काम अच्छे से करना आता है? एम आई स्किल्ड? एम आई स्किल्ड? और मैं उसको सौंप रहा हूं तो क्या मैं कुछ दिन के लिए उसे अपना दोस्त या अपना भाई समझ करके क्या हेल्प नहीं कर सकता? और अगर मैं उसे हेल्प करूंगा तो क्या उससे मेरा कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं. कहते हैं अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं तो आप उनकी ब्लेसिंग्स में जिंदा रहते हैं. और आप देख लीजिए दुनिया में जब किसी को बहुत क्रिटिकल बीमारियां हो जाती हैं तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, जी अब तो या तो भगवान आपको बचा सकता है या आपके पुण्य और दुआएं. पर दुआएं कमाई जाती हैं, दुआएं कोई किसी को दे नहीं सकता, ऐसे ही नहीं दे सकता किसी को दुआ की बने रहो, उसे दुआ नहीं मिलती है. जब आप कुछ ऐसा करते हो उससे आपको दुआ मिलती है. हाँ, आप समझ रहे मेरी बात? तो उस चीज में क्या कर सकते हो, यदि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब एक ए पर्सन है एक बी पर्सन है, अब इस ए पर्सन को बी पर्सन से ही काम कराना है, उसके पास यही एक ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं. अब आप बताओ ये किस स्थिति में बेहतर काम करेगा, डांट से या प्यार से? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप बोलेंगे नहीं डांटना पड़ेगा, डांटो पर कैसे? संवैधानिक तरीके से. मतलब आपको क्या करना चाहिए, जो हमने अब तक विधियां अपनाई है, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करता हूं और वहां पर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस को सुलझाया जहां पर ऐसी सिचुएशन थी, हमें पर्सनल काउंसलिंग में बिठाया गया और हमने पर्सनल काउंसलिंग दोनों के साथ में किया और फिर वो चीज बहुत आराम से मैटर सॉल्व हुआ. क्या करना होता है ऐसे केस में, इस बी व्यक्ति से भी बात करो, इस ए व्यक्ति से भी बात करो, दोनों के बीच में जिस काम के लिए आप करने वाले हो, जो कार्य है आपका, उस कार्य को आप दोनों के बीच में रखो. पहले इन दोनों देखो कि ये इसका कितना करने में इंटरेस्ट है और इनकी कितनी जरूरत है. मतलब एक को काम करवाना है तो उसको जरूरत है भाई, वो करवाएगा उसी से करवाएगा, लेकिन बी को वो काम करने का कितना इंटरेस्ट है. अच्छा, अगर उसे किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो पहले मुझे ये चेक करना है कि उसका इंटरेस्ट वहां पर क्यों नहीं है. जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप में आज बहुत सारी वैल्यूज होंगी, हाँ या ना? अच्छा, जो जो चीज में आप स्किल्ड हो उसमें आप स्किल्ड क्यों बने, बताइए. इंटरेस्टेड क्यों थे, बताइए बताइए, प्लीज जवाब दीजिए. मैं बहुत अच्छी चीज पे लेके जाना चाहता हूं आपको. जो भी चीज में आज आप स्किल्ड हो, जिस काम में भी आप एक्सपर्ट हो, जो भी आपको करना आता है उसमें आप क्यों स्किल्ड और एक्सपर्ट हो? आपने कहा इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट क्यों था उसमें? हमें वो काम मिला सर, करने के लिए. हमें वो काम मिला, क्यों मिला वो काम आपको करने के लिए? किस एनर्जी से हमने अडॉप्ट करा उसका? किस एनर्जी से? एनर्जी भी किस कब आई, एनर्जी के लिए भी हम कब गए? अभी मैं पहुंच नहीं पाया, जब उस काम के लिए एलिजिबल थे. वो एलिजिबिलिटी हमने क्यों अपने अंदर लेके आई? पॉजिटिविटी कि वह काम में मजा आता था, इसलिए. ऐसे तो बहुत सारे काम है जिन्हें करने में मजा आता है. पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स था. और कोई बताए कुछ प्रोफेशनल आंसर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आप सबसे कोई प्रोफेशनल आंसर दे.
अच्छा बताओ आपके काम में से सैलरी निकाल दो, आप में कितने लोग इंटरेस्ट लोगे? हाँ जी बोलो ना, हाँ या ना, सैलरी निकाल दो आज से रोज आना। अभी बहन ने कहा कि काम करने में एक मजा आता है, सैलरी नहीं मिलेगी कल से जीरो। आएंगे? नहीं आएंगे सर। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब मेरे यहाँ पे सैलरी कहने से मतलब नहीं है केवल, आप समझो मैं सैलरी से रखी क्योंकि डायरेक्टली लिंक होती है, जल्दी समझ में आती है क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है बिना बोले भी समझ में आती है, बस खाली हाथ ऐसे करते तो सब कुछ समझ में आ जाती है, किसी भी देश की लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैं आया ना। अब आप ध्यान से सुनना, पता एक और गहरी बात हूं मैं आपको, मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, हम सबके अंदर बदलने की बराबर शक्ति है, आप मानते हो उस बात का? नहीं मानते? और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। आप बताओ जैसे दिल्ली में आते हैं सबकी सीट बेल्ट क्यों लग जाती है, और कहीं किसी और स्ट्रीट में जाते हैं तो हेलमेट क्यों लग जाते हैं? लाइबल टू पे। कोई भी इंसान दो ही कारणों से बदलता है, लिख लो अपने पास बड़ा बड़ा, पहला किसी गेनिंग के लिए और दूसरा पेन से बचने के लिए। या तो सजा से बचने के लिए कुछ करेगा या तो कुछ उसे मिले। अभी आप सोचो कि सपोज आपका जो काम ना हो रहा हो, आज मैं आपसे बोलता हूं ऐसा कोई काम हो, मैं पूछूंगा नहीं बट अपने आप से पूछना ईमानदारी से, ऐसा कोई काम हो जो आपसे ना हो रहा हो और मैं बोलूं कि उस काम को कर दो 50,000 रुपए दूंगा, अब बताओ वो काम आज के आज पूरा हो जाएगा या नहीं होगा? लिंगर ऑन होगा अभी भी। तुरंत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं लिंगर ऑन इसलिए कर रहा हूं, ध्यान समझना, इसलिए लिंगर ऑन कर रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसका बेनिफिट नहीं पता कि इस काम को करने के बाद का एग्जैक्ट बेनिफिट क्या होगा। आई एम अनेबल टू ऑब्जर्व द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ द इवेंट। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? आप तक मेरी बात पहुंच रही है या मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं? सर पहुंच रही है पूरी बात, इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज। अभी आप में से कौन कौन जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? हाँ, 5 बजे उठ जाते हैं, हाँ 10 घंटा से। अगर मैं कल से बोलूं कि आप 4 बजे उठो, 5,000 रुपए पर डे आपके अकाउंट में आएंगे, कौन कौन जो 4 बजे नहीं उठेगा? चलो एक ऐसे भी है, अब मैं कीमत बढ़ाता चला जाऊंगा फिर, है ना। लेकिन 4 बजे उठना अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े महात्माओं ने भी ये कहा है कि जिन लोगों को अगर कुछ ऊंचे संस्कार या अपने जीवन में अपने 24 घंटे के जिनको 26 घंटे करने हो, वो कायदे में 4 बजे उठ जाए तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से रोज सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मेरा तो 11:30-11:30-12 बजे इतना बज जाता। मैं 4 घंटे ज्यादा कभी अपने जीवन में सोया नहीं हूँ। हाँ जी हाँ, वो कारण है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यदि आप मेडिटेटर हो तब आपको केवल 4 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, और अगर आप मेडिटेटर नहीं हो तो आपको 6 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए। ये फर्क है। मैं एक मेडिटेटर हूं, मेरे घंटों के मेडिटेशन से मैं दिन में कम से कम 5-5, 6-6 घंटे मेडिटेशन में बैठ मॉर्निंग में और आप करके देखो। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप जिस चीज को भी कठिन मान रहे हो उसके पीछे 2 काम कर देना। अच्छा चलो मैं वैसे ही बात करता हूं, जैसे भाई साहब ने कहा मैं इसके लिए तो नहीं करूंगा, अभी कल को सरकार ये घोषित करते हैं जो 4 दिन नहीं उठेगा उसे रोज की जेल। अब बताओ कौन कौन है जो 4 बजे उठकर नहीं बैठ जाएगा? अब जेल में डिस्कम्फर्ट हो जाएगा तो यहाँ का कम्फर्ट पहले आ जाएगा, चेंज हो गया। सिंपल बात है, कहने का अर्थ क्या है, या तो अपने लिए कोई सजा निर्धारित कर दो जिस काम को आप नहीं कर पा रहे हो, और या तो उस पर कोई रिवार्ड रख दो। आप मुझे बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आज के बाद? अगर ऐसा कर पाओगे तो लाइफ कंफर्टेबल बनेगी या नहीं बनेगी? मैं ऐसा ही करता हूं एवरी डे, जब भी मुझे लगता है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, बस इतना टाइम आपको 5 मिनट, ठीक है मैं 5-7 मिनट बस कंक्लूड कर देता हूं। तो आप बेसिक चीजें समझने की, अब आप सोच के देखिए कि यदि मैं सही तरीके से खुद की लाइफ को अगर मैंने राइटली ऑब्जर्व कर लिया इन सिचुएशन पे, मैं राइट एक्सपेक्टेशन सीख जाऊं, घर में भी मैं ये 4 बार चेक करे बार किसी को काम सौंपना बंद कर दूं,
मुझे किससे बात करनी है? आप अपने वाइफ से बात करते हैं या अपने हस्बैंड से बात करते हैं, जो भी अपने कपल से बात करते हैं उनसे भी आप बात करो। कोई काम के लिए कहना चाहते हो कहो, लेकिन पहले देख लो क्या उस समय वो दिस द राइट टाइम टू टॉक, क्या उनका इंटरेस्ट है उस चीज में। कभी भी मैं नहीं कह रहा हूं, डेल कार्नेगी दुनिया के इतने बड़े राइटर्स हैं, उन्होंने कहा है दुनिया में किसी से भी कोई काम कराने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति में वो काम करने का इंटरेस्ट पैदा करना। क्योंकि जैसे आप उस व्यक्ति में इंटरेस्ट पैदा कर दोगे फिर आपकी मेहनत खत्म हो गई, वो अपना काम अपने आप समेट लेगा। और इंटरेस्ट नीड दो चीजें, या तो बेनिफिट या तो पनिशमेंट। इस दो के अलावा तीसरा तरीका इस पूरी धरती पर नहीं बनाया आज तक। और इन दोनों में से बेस्ट तरीका कौन सा होता है? ऑब्वियस बेनिफिट, क्योंकि इसमें ड्रीम है, इसमें प्रेशर नहीं है, इसमें आपका माइंड कूल है। और याद रखना, कूल काम कंटेंटेड माइंड ही क्रिएटिव माइंड होता है और प्रोडक्टिव माइंड होता है। और जिस माइंड पर प्रेशर होता है, प्रेशर्ड माइंड, उसकी तो मेमोरी भी वीक हो जाती है। आपने सुना ही होगा जितने लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, प्रेशर्ड होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, उनकी मेमोरी धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती है। एक और गहरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब में से किस किस को लगता है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है? हाथ उठाइए जिनको लगता है, जिनकी मेमोरी शार्प है, जिनकी मेमोरी बहुत ही बढ़िया है, ट्रांसपेरेंट है। मैं बताऊं, ये दोनों मिथ है आपके मन में कि आप नहीं है। आप सबकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है, मैं साबित कर सकता हूं यहीं बैठे। कोई एक वॉलंटियर आ जाओ मेरे पास, और थोड़ी जगह चाहिए बस मुझे, मैं अभी साबित करूंगा प्रैक्टिकल में आपके सामने। कोई भी एक वॉलंटियर, यस मैम, आपको चप्पल निकाल लेंगे सर, आप पूछिए थोड़े से करोड़े, मुझे एक लाइन चाहिए, ये मैंने पूरी लाइन चाहिए। आपको क्या करना है सिस्टर, बस यहां से घूम जाइए और ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, ठीक है, इस पर अपना अंगूठा अगला रखिए ऐसे। अब ऐसे ही अगला पैर का अंगूठा फिर आगे ऐसे करते जाइए, और ऐसे अंगूठे इस पर देखते हुए अंगूठा बाहर नहीं आना चाहिए लाइन से, और यहां से वहां तक चल के जाना है आपको। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अब बस आपको इतना बताना है इन सबके सामने कि जितने समय तक आप यहां से वहां गई या वहां से यहां तक आई, आपको क्या क्या दिखा इस हॉल में? सिर्फ मेरा अंगूठा और दूसरा लाइन, इसके अलावा कुछ दिखाई दिया? तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन खराब हुई या अच्छी हुई जी? सो प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन में या लाइन में? हमारे पास लाइफ में कोई लाइन नहीं है, एम नहीं है। आप सबकी, आप देखो जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है, कभी ध्यान भटका है आपका? 3 घंटे की मूवी टटरी ला के देख लेते हैं, किसका ध्यान भटका हो तो मुझे बताओ आज तक एक का? अब पूरी मूवी, अच्छा किसी गाने में इंटरेस्ट हो, पूरा गाना ऐसे याद हो जाता एक ही बार में, तो मेमोरी कमजोर कहां है, कितनी शार्प है? अभी मैं आपसे पूछूं, आज से 20-30 साल पहले वाली घटनाएं बिल्कुल चित्र बाय चित्र याद होंगी आपको, मेमोरी कमजोर कहां है? तो हम किन चीजों को याद रखते हैं? या तो जिनसे बहुत घृणा हो, या तो जिनसे बहुत प्यार हो, या तो जिनसे बहुत कुछ मिला हो, या जिनसे कोई दुख मिला हो। सही बात है कि नहीं? तो आज के बाद ये कभी नहीं बोलेंगे कि मेरी एकाग्रता कम है या मेरी मेमोरी खराब है। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ, सो ये अंडरस्टैंड हो रही है आपको मेरी बात जो मैं आपसे बात कर रहा हूं? तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप अपने संबंध अच्छा करना चाहते हो, इंटरेस्ट चेक करो। इंटरेस्ट बढ़ाने का तरीका क्या है? उसे बेनिफिट बताओ, और बेनिफिट ऐसे बताओ जो बेनिफिट उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के हो। समझिए इस बात को, ये बड़ी गहरी बात है। मुझे इसके लिए उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। जी बेनिफिट और पनिशमेंट का लेवल अगर कम है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ लेवल बढ़ा नहीं सकते? नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब बेनिफिट का लेवल आप ना बढ़ा सको इन टर्म्स ऑफ मनी, जब मनी की बात जाकर आएगी यहां पर लेकर के, तो उस केस में मुझे क्या दिखाना है उसको? इस बेनिफिट को ना मिलने के लॉस दिखा दो उसको, अपने आप बेनिफिट बड़ा हो जाएगा।
जैसे मैं आपसे बोलूं आपके लिए सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो तो सैलरी बंद कर देते हैं, फिर इंपॉर्टेंट होगी ना, नाइस मेरा घर कैसे चलेगा। अभी हम सैलरी की शिकायत करते रहते हैं, सैलरी नहीं बढ़ती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कल से नौकरी चली जाए, फिर समझना है, यही ऑब्जर्वेशन है हमें अपने। देखिए आपने कोई जॉब चूज करा है, वो आपने चूज किया है, किसी ने थोपा है आपके ऊपर? आपने चूज किया ना भाई, आपकी जरूरत थी, आपने चूज किया है। अब जब आपने चूज किया है तो उसके ऑब्स्टेकल हो, उसके चैलेंजेस हो, उसकी कमियां हो, आपने उस जॉब के साथ वो सब कुछ चूज कर लिया था, तो क्या शिकायत करना बनता है? नहीं। हाँ, आपको लग रहा है कि मैं यहां से कर नहीं सकता, तो स्विच करो, कुछ बड़ी तैयारी करो, कुछ और चीज के लिए आप जाओ। किसने रोका है? दुनिया में लोगों ने जॉब करते करते भी और सारी चीजें करी ना। मैं फिजिक्स लेक्चरर भी था और बाद में मैंने अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करके आज एक बिजनेसमैन बन गया। सो ये तो मैटर नहीं करता ना आपको भाई, मुझे मजा नहीं आ रहा था जॉब के अंदर, आज मैं 12 साल से फ्री हो गया जॉब से। सो ऑप्शंस बहुत है हमारे पास करने के लिए, इफ वी लाइक टू डू वी कैन डू। तो हम किसी को भी इस बात के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, तो क्या करो, अगर बेनिफिट नहीं बढ़ा पा रहे हो तो बोलो चलो ठीक है, अगर ये बेनिफिट जितने भी मिल रहे हैं ये भी खत्म हो जाए तब आप समझ आ जाएगा। नहीं नहीं, एनवी बन जाएगा, एनवी नहीं हो जाएंगे, मतलब उनको रियलाइज कराना, रियलाइज रियलाइज हो जाएगा उनको, ये भी जरूरी। उनको बोलो कि भाई इससे अधिक बेनिफिट जाना है तो अपनी स्किल और बढ़ा लो, अपने परसेप्शन और चेंज कर लो, लेकिन जब तक इसकी जरूरत है तब तक इस वही। अब एक बार सोचो किसी को यहां से यूएस जाना हो तो यहां से एयरपोर्ट तो वो कार से ही जाएगा ना, अब कार को बर्बाद करके तो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचेगा, वहां से प्लेन लेगा, तो प्लेन लेना बुरी बात नहीं है, है ना, लेकिन कार को मेंटेन करना भी जरूरी है। ऐसी जॉब या कोई भी चीज जो आज हमारे पास व्हीकल होता है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी वर्किंग प्रोसेस की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक लास्ट बात आपसे बोलता हूं, कभी कभी लोगों को लगता है कि कोई हमें ऑर्डर कर रहा है, क्या कोई हमें जब ऑर्डर कर रहा होता है ये हमारे फायदे के लिए ले सकते हैं हम, या इसे रॉन्ग ही लेना चाहिए? हम फायदे के लिए ले सकते हैं। मैं ऐसे लेता हूं, मैं सोचता हूं जो मुझे ऑर्डर दे रहा है इज माय कोच, जो मुझे इमोशनल मैनेजमेंट सिखा रहा है, जो मुझे सिखा रहा है कि मुझे लाइफ को कैसे देखना चाहिए, मुझे ऑर्डर देने वाला बनना है या आई नीड टू इंप्रूव माई सेल्फ इन अ बेटर वे, और कल को मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से करूंगा। जैसे माता पिता, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे माता पिता ने हमारे साथ जब हमें पालना दी तो उन्होंने हमें डांटा, क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, जस्ट चीज करी, हम भी शुरू कर देते हैं, हम भी अपने आगे शुरू कर देते हैं, तो हमने सीखा क्या? अगर जब मेरे माता पिता मुझे कुछ बोलते थे या हर्ट करते थे और मुझे हर्ट होता था तो मुझे उससे क्या सीख लेनी चाहिए थी? ऐसी बातें हर्ट करती हैं, अब ये मुझे नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड राइट लर्निंग। तो ऐसे किसी ऑफिस में आप हो, वहां पर आप देखते हो कि कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे वहां पे थोड़ी मैं भी वो करना शुरू कर दूं, टिट फॉर टैट कभी भी जीवन में आपको आगे लेकर के नहीं जा सकता। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब भी क्या है? हर चीज से गुण उठाना। आज मेरा लास्ट फॉर्मूला आप याद करके जाना, लिख लो, जो सबके गुण देखता है वो सदा खुश रहता है। कमियां देखोगे तो दुखी रहोगे, पर गुण देखोगे तो खुश रहोगे। मेरा फॉर्म है, मैं हमेशा इसके ऊपर एक बुला के रखता हूं, शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करने से जिंदगी आसान हो जाती है। आई मैं कुछ भी शिकायत करने का नहीं है, आज अपने आप से सवाल पूछो, यहां पे सब लोग दोनों अपने हाथ उठाओ, करोड़ों लोग उठा नहीं पाएंगे आज, उनके हाथ ही नहीं है। थैंक्स करो आज जो आपके पास है, जब उसके लिए शुक्रिया करोगे तो गॉड मेहरबान होगा वो देने के लिए जो आपको चाहिए आपकी जिंदगी में, उसको लगेगा ये मेरे दिए हुए की वैल्यू कर रहा है। और जब भी कोई चुनौती जिंदगी में आए बस एक ही सवाल पूछना, क्या इस चुनौती में ये सारा संसार ऐसे ही रिएक्ट करेगा या इसका कोई बेस्ट रिएक्शन भी चुना जा सकता है, बेस्ट रिस्पॉन्स भी चुना जा सकता है, और आप देखना सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, तुरंत बाहर आ जाओगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे। एक लास्ट चीज को जमे ध्यान रखना, समस्या पहले बनी है या समाधान, क्या कहेंगे आप, समस्या पहले या समाधान पहले? समाधान। न्यूटन से पहले भी सेब नीचे ही आता था, बस न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, समस्या पहले नहीं समाधान, इसलिए कहते हैं हर सवाल का जवाब है, एवरी प्रॉब्लम हैव एन आंसर, बस मुझे ढूंढना बाकी है।
आपकी प्रॉब्लम कैंसर आप पास जो मुझे कल को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, मैं अपना हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, पर कोई डॉक्टर तो बैठा है जो मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है। तो दोस्तों अगर आज आपकी कोई चुनौती कितनी बड़ी हो, कभी हार मत मानना, कभी लाइफ में ये मत सोचना आप कोई रास्ते नहीं है। जब आपको लगे कोई रास्ते नहीं है तो समझ लेना वो एडवर्सिटी बड़ी है और अब आपके लिए बड़े रास्ते इंतजार कर रहे हैं आपको बड़ा हीरो बनाने के लिए, गारंटी है इस बात की। लाइफ में कभी चैलेंज कितने भी बड़े क्यों ना हो, बड़े चैलेंज में जब आप स्थिर खड़े हो जाते हो और उनके बारे में राइट परसेप्शन ले लेते हो, वो पूरी जिंदगी बदल के रख देते हैं। आप मेरे साथ थोड़ा मेडिटेशन करना पसंद करेंगे? कराऊंगा आपको अच्छा सा मेडिटेशन, और वैसा मेडिटेशन ना ब्यूटीफुल है, आप अपने घर में रोज कर पाओगे। ठीक है, चलो तो सीधे बैठ जाएंगे सभी और अपनी आंखें आप बंद कर लो और बहुत बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ऐसा फील करो कि सब बिल्कुल रिलैक्स टाइम है। आंखें बंद कर लो क्योंकि अगर आंखें बंद नहीं करोगे तो इधर देखते रहोगे, और जो मैं काम करने के लिए बोलूंगा सब करते जाओ। आप क्या करो, अपनी अपनी जर्नी अपने बचपन से शुरू करो, सब अपने बचपन में चले जाओ, अपने चाइल्डहुड में जाओ, और जो कुछ भी आज तक आपके साथ अच्छा अच्छा हुआ है सिर्फ वही याद करो, अपने बचपन के खिलौने याद करो, बचपन में माता पिता के प्यार को याद करो, अपने पहले स्कूल को याद करो, अपने बचपन की सौ ड्रेसेस गिफ्ट जो भी मिलते थे, अपने नाना नानी जहां भी आप जाते थे जिन्हें आप पसंद करते हो, केवल उन्हीं इंसानों को याद करो जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, आपकी माँ आपके पिता आपके भाई बहन जिनको भी आप बहुत प्यार करते हो उन्हें याद करो, ऐसे हर इंसान को याद करो जिसने आपको खुशियां दी है, जिसको जब आप मिलते हो तो आपका दिल खुश हो जाता है, अपने पढ़ाई के उन पलों को याद करो जब आपने कुछ रिवार्ड जीते, जब आपके किसी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए, अपने पसंद के भोजन को याद करो जो आपको बहुत पसंद है, फील करो उसे स्वयं को अभी खाता हुआ, ऐसे हर इंसान को याद करो जो आपसे मोटिवेशनल बातें करता है, जो आपको प्रेरणा देता है, सुख देता है, जो जरूरत पर आपके काम आता है, ऐसे हर पिकनिक स्पॉट को याद करो जहां जाना आपको बहुत पसंद आता है, बड़ा आनंद आता है आपको अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, अपने उस हर सपने को याद करो जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप अपने अपने परिवार के लिए चाहते हो, याद करो दिल से याद करो और ये महसूस करो कि खुद भगवान आज आपके दिल की आवाज सुन रहा है, आप जो बोल रहे हो अंदर अंदर वो पूरा कर रहा है। सोचो आपके पास आपके पसंद का घर है, आपके पसंद का प्रोफेशन है, सब कुछ आपके पसंद का होता जा रहा है, अच्छे दोस्त अच्छे रिलेशंस, अपने को देखो कि आपने एक अलग ताकत आ गई है, एक अलग स्ट्रेंथ आ गई है अपनी परिस्थितियों को बदलने की, ऐसा महसूस करो कि गॉड ने स्वयं अपना ब्लेसिंग्स का हाथ आप सबके सर पे रख दिया है, फील करें आप जिनको भी याद करते हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं उनको अपने सामने महसूस करो कि आज वो बिल्कुल आपके पास आ गए हैं और आज वो आपके सर पे हाथ रख के कह रहे हैं बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, अब सब अपने अपनी आंखें खोलेंगे,
मुझे सिर्फ ईमानदारी से वे लोग हाथ उठाए जिन्होंने पूरा प्रोसेस किया जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, करने के बाद अगर कुछ ऐसा नहीं, कैसा फील, कैसा होता है अंदर में, कैसा फील कर रहे हैं जबकि मैंने आपको कुछ नहीं दिया, ये सब कुछ आपका था। इससे क्या मैंने आपको रियलाइज कराया, जब हम सिर्फ अच्छे पर फोकस हो जाते हैं तो सुख अपने आप आ जाता है। जब हम शिकायतों में बिजी हो जाते हैं, आप देखना 24 घंटे में कितने घंटे ऐसे होते हैं जब आप दुख आते हैं, एक घंटा भी नहीं आता कभी सुख, कोई पल आता है 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हाँ कि ना, पर उस टेंशन के बारे में 23 घंटे सोचेंगे, तो टेंशन को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द इंटेंशन बिहाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। इंटेंशन चेंज, एक्शन चेंज। इसलिए कहते हैं स्मृति से स्थिति, विचार बदल गए जीवन बदल गए। और विचार कैसे बदलेंगे, क्या हम देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं और किन की संगत में रहते हैं। इंफॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज, थॉट चेंज इमोशन चेंज, इमोशन चेंज एक्शन चेंज, एक्शन चेंज हैबिट चेंज, हैबिट चेंज बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज करेक्टर चेंज, करेक्टर चेंज पर्सनैलिटी चेंज, पर्सनैलिटी चेंज तो डेस्टनी चेंज। इसीलिए डेस्टनी को लक भी कहते हैं, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही ज्ञान के अंतर्गत की मेहनत आपके भाग्य का निर्माण। तो अभी तो हम इतना ही बता सकते थे इस समय के अनुसार। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, anybody can ask any question। अगर कोई किसी भी सिचुएशन का कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता कर सकता है। बाकी फिर भी हम उसे बोलेंगे, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, रोज करिए। मैं तो रिटर्न मेडिटेशन करता हूँ, 1.5 घंटे बैठ के वो लिखता हूँ जैसी जिंदगी चाहिए, और मैं कभी भगवान से शिकायत नहीं करता कि मेरे साथ से सब कुछ क्यों होगा। और मैं अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी खोल के दिखाऊँ